हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और शाम का टाइम है अभी। आज का जो ये व्लॉग है, या इसे चिट चैट व्लॉग कह लो, ये है कुछ डिस्कस करने के लिए। मैं कुछ डिस्कस करने आई हूँ आप लोगों से। एक्चुअली बहुत दिनों से मेरे लाइव सेशन के टाइम पे, या फिर मेरे व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में, या फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल भी किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, और जो आई डोंट नो कुछ तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं, लेकिन मेरे पास मेल आया हुआ है कुछ लोगों का, जिसमें उन लोगों ने अपनी एक राय रखी है। आजकल जो भी व्लॉगर्स हैं, कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनके बारे में लोगों की जो राय है वो चेंज होती चली जा रही है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके बुरी होती चली जा रही है, ऐसा बोलूँ तो शायद ठीक रहेगा। यही बस डिस्कस करने के लिए मैंने आज ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है, जिसमें मैं आपके साथ बातचीत करूँगी इस पॉइंट पे। और मुझे उन लोगों ने मेल करके बोला कि दीदी, आप अपनी राय क्या है आपकी, वो शेयर कीजिए। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक व्लॉग बना के आपको अपनी राय शेयर करूँ। इसीलिए बस आज आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए। गाइज, उन लोगों का मेरे पास मेल आया, और उन्होंने मेल के थ्रू मुझे बोला है कि भाई आजकल ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है, एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को क्या क्या बोल रही है, क्या क्या कह रही है, और मतलब बहुत सारी बातें मुझे मेल की गई हैं। और उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि दी, वाई डोंट यू शेयर योर ओपिनियन, आप क्यों ब्लॉग नहीं बनाते इस चीज़ के ऊपर। मैंने सोचा फाइनली मेरे को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी सोच है, मुझे आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। इसीलिए ये मैं व्लॉग लेके छोटा सा आई हूँ आपके पास। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी, बहुत सारे, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, और उन्होंने अपना एक नाम बना लिया है। काफ़ी फेमस व्लॉगर्स हो चुके हैं वो। अगर आप लोग यूट्यूब पे व्लॉगर्स के बीच में एक्टिव हैं, आप व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं और कुछ अचीव करके बैठे हुए हैं। उनके पास अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे व्यूज़ हैं उनके वीडियोस पे। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि वो लोगों ने जो व्यूज़ अपने या सब्सक्राइबर बनाए हैं वो बिना मेहनत के बनाए हैं, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता, किसी भी फील्ड में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है। बट ऑब्वियस कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, देन उनको सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ जो भी मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया है। ऑन द सेम टाइम मैं इस चीज़ के बिल्कुल, इस चीज़ से अग्री नहीं करूँगी कि वही बड़े यूट्यूबर्स, हम जैसे या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो नए हैं, उन्हें छोटे यूट्यूबर्स बोल के बुलाएं। नो डाउट वो ब्लॉगर बहुत अच्छी हैं जिनके भी बारे में मैं बोल रही हूँ, कई सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, तो ही किसी आज लेवल पे बैठे हुए हैं, कुछ अचीव किया हुआ है उनकी मेहनत ने, उनकी लगन ने, और कड़ी मेहनत से मिला है जो भी उन्हें मिला है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि लोगों की जो राय है उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती चली जा रही है। उनके एक कुछ एटीट्यूड जो उन्होंने आजकल बना रखा है, जो जिस हिसाब से उनकी सोच हो रखी है आजकल उन ब्लॉगर्स की, उसकी वजह से लोग बहुत गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। एंड एज अ रिजल्ट उनके जो व्लॉग्स हैं उन पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं, अब्यूजिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। नोबडी लाइक्स अब्यूजिव कमेंट्स, आई नो दैट। मैं समझ सकती हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं आते, मुझे भी पसंद नहीं आते। मेरी बस इतनी सी ही राय है व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए, या नॉन सब्स जो सब्सक्राइबर नहीं है उनके लिए, कि यार एटलीस्ट अब्यूजिव कमेंट्स किसी के भी ब्लॉग में जाके मत करो। क्योंकि पर्सनली मैं उन ब्लॉगर्स को, जितना मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी हैं, दिल की अच्छी हैं, सभी ब्लॉगर्स दिल की अच्छी हैं। जहाँ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप नेगेटिव कॉमेंट्स या अब्यूजिव, स्पेशली अब्यूजिव कॉमेंट्स तो मत करिए यार, दैट इज़ क्वाइट हर्टिंग। ऑन द सेम टाइम मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरी यही राय है जो आप लोगों ने मुझसे पूछी है। मेरी यही राय है कि अगर आपको कामयाबी मिलती है आपकी मेहनत से, लगन से, जो भी आपको कामयाबी मिलती है, लेकिन आपको आपके पाँव ज़मीन पर रखने चाहिए। मैं ये सभी उन ब्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ जिनके लिए लोगों की राय बदलती चली जा रही है और नेगेटिव होती चली जा रही है। अगर आप लोगों को बुरा लगे जो भी ब्लॉगर्स हैं जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल बिंदास अपनी राय रखने के लिए आई हूँ आज। मैं मेरी राय रख रही हूँ। अगर मुझे कल उठ के, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे चैनल के लिए, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, और अगर आप लोगों के प्यार केयर की वजह से अगर मैं आगे तक जाती हूँ और कामयाब होती हूँ, तो मुझे वो घमंड मेरे सिर पे नहीं चढ़ने देना है, और अपने एटीट्यूड को मुझे बैलेंस करके रखना है, ये मुझे पता है, इतना मुझे पता है। बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपना, जो भी आपको कामयाबी हासिल हुई है, उसके कारण आप, आपके सिर पे घमंड मत चढ़ने दीजिए। अगर उठ के कल सक्सेस मिलती है, अगर मुझे कामयाबी मिलती है यूट्यूब की दुनिया में,
तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूंगी कि मेरे जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो बड़े हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं या छोटे यूट्यूबर्स हैं, ये जो लैंग्वेज है कि छोटे यूट्यूबर्स, नहीं यार, दिस इज़ जस्ट नॉट फेयर. बिकॉज़ यूट्यूबर, यूट्यूब की दुनिया में जो आज बड़े बड़े पोजिशन पर बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, उन्होंने भी कभी तो स्टार्ट किया होगा, कभी तो वो भी इस फ्रेज में से निकले होंगे. पहले से तो उनको ये पोजीशन नहीं मिल गई है. उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा और तब जाके मेहनत करके उन्होंने एक मुकाम हासिल किया होगा, राइट? सो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि छोटे यूट्यूबर्स या आपको तो व्यूज़ नहीं आते, आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो. सो दिस इज़ जस्ट नॉट फेयर, दिस इज़ जस्ट नॉट डन. मैं बिल्कुल जस्टिस वाली बात कर रही हूँ इस टाइम पे. मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच रही हूँ. दे आर माई फेलो यूट्यूबर्स, मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, राइट? आप बड़े यूट्यूबर हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, या जिस जिसके साथ भी जो भी बातें हुई हैं, जो मुझे सुनने में आई हैं, वो एक छोटी यूट्यूबर हैं और आप बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आज आपके पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं या आपके पास व्यूज़ ज़्यादा हैं या आप फेमस यूट्यूबर हैं तो आप किसी को भी छोटा यूट्यूबर बोलें. एक बड़ा यूट्यूबर और एक छोटा यूट्यूबर क्या होता है यार, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, वो भी इसमें से निकल के आगे बढ़े हैं. क्या पता हम भी कल इसमें से निकल के आगे बढ़ जाएँ या एक छोटा यूट्यूबर भी इसमें से निकल के आगे बढ़ जाए. किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है. सो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए. मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि कोई भी बड़ी ब्लॉगर अगर इस टाइप से बात करती है, किसी को छोटा यूट्यूबर बोलती है या बोलती है कि आप तो व्यूज़ के लिए ऐसे कर रहे हो, तो दिस इज़ जस्ट नॉट डन. ये अच्छी बात नहीं है. सो गाइज, कहना बस इतना ही चाहती हूँ मैं कि ये जो जो भी ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह से बोलते हैं कि आप हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, आपने हमारे नाम को लेके व्लॉग बना दिया इसलिए आपके वीडियोज़ को व्यू मिल गए या ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर इस तरह से कोई सक्सेसफुल होता तो यार एक व्लॉग बनाया किसी सक्सेसफुल ब्लॉगर के ऊपर और तुरंत हमारा चैनल जो है, तुरंत किसी भी छोटे यूट्यूबर का चैनल जो है हाइट पकड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है. एक ही व्लॉग चल जाएगा. अगर आपके ही नाम लेके या आपका ही नाम लेके किसी को आगे बढ़ना है तो वो एक ही व्लॉग चलेगा ना, उसका एक ही व्लॉग सक्सेसफुल है, उसी पे व्यूज आएंगे. बाकी उसको कोई नहीं देखेगा, उसको कोई पसंद नहीं करेगा. सो पहली बात तो आप आपके दिमाग से ये बात निकाल दीजिए. मेरी ये रिक्वेस्ट है जिन जो भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं बड़े रेपुटेटेड, जिनको एक अचीवमेंट जिन्होंने किया है यूट्यूब पे और वो इस टाइप की बातें करते हैं, अच्छी बात नहीं है. कामयाबी सर पे चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए. और वैसे मैं जानती हूँ सभी लोग दिल की बहुत अच्छी हैं, जो भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो इस टाइप की बात कर बैठते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से इस टाइप की बात हो जाती है उनसे. सो जस्ट मैंने अपनी राय रखी है, किसी को भी इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं फील कर रही हूँ मैं वो आपके सामने मेरी राय रखी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए किसी भी ब्लॉगर को. अगर वो किसी पोजिशन पर है तो भी नहीं, अगर वो छोटी यूट्यूबर है तो भी नहीं. ये जो यूट्यूब पर हो रहा है यार, ये हो क्या रहा है? मैं काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ. मुझे इवन मेरे सब्सक्राइबर्स ने लास्ट में एट लास्ट मेल करके मुझे बोला है कि भाई ये सब क्या चल रहा है यूट्यूब पे. सो दिस इज नॉट फेयर. मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, बड़े यूट्यूबर को भी, बड़े ब्लॉगर को भी, छोटे ब्लॉगर को भी, दोनों को. इवन उसमें मैं भी आ गई, मैं भी अभी यूट्यूब की दुनिया में नहीं हूँ. सो मैं भी एक छोटी यूट्यूबर हूँ अभी. सो आप यार अगर आज किसी पोजिशन पर बैठे हो तो किसी को छोटा मत समझो. चाहे जो भी है वो आपकी फेलो यूट्यूबर है, फेलो ब्लॉगर है, वो भी ब्लॉग्स बना रही है, वो भी मेहनत कर रही है. जरूरी नहीं है कि वो वहीं स्टेबल रह जाए, वो भी आगे बढ़ सकती है कल उठ के अगर उसने मेहनत की आपकी तरह. तो आप किसी को भी छोटा नहीं कहिए, ये कह के किसी का अपमान मत कीजिए. और एट द सेम टाइम मैं सब्सक्राइबर्स को और जो हमारी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं उनके व्लॉग पे जाके, बहुत डर्टी डर्टी कमेंट करते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत डर्टी कमेंट आते हैं, हेट कमेंट्स आते हैं. सो क्रिटिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड अब्यूजिव लैंग्वेज और अब्यूजिव कमेंट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग. अगर आप क्रिटिक्स बोल रहे हो तो ठीक है यार, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. और एक लिमिट में रह के वो होता है तो चलता है, नहीं तो क्या होता है ना, ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज आप लोग यूज़ करेंगे तो एक यूट्यूबर जो होगा, एक ब्लॉगर जो होगा, उठा के ब्लॉक कर देगा. जैसे कि मैं भी कई बार करती हूँ, जब अनटॉलरेबल हो जाता है तो मैं भी कर देती हूँ. इवन हेट कमेंट्स मैं भी लाइक नहीं करती. मेरे पास भी जब हेट कमेंट्स आते हैं तो कई बार मैं पहले अवॉइड करती हूँ और जब अनटॉलरेबल हो जाता है तो मैं उसको रिप्लाई भी करती हूँ. आप लोगों ने देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स, मैंने भी रिप्लाई किया हुआ है. बट आप लोगों से भी मैं इतना बोलना चाहती हूँ, व्यूअर्स से, कि यार अब्यूजिव लैंग्वेज एटलीस्ट यूज़ मत कीजिए. किसी को भी पसंद नहीं आता है अब्यूजिव लैंग्वेज पढ़ना अपने लिए, सो वहाँ पे आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, इस तरह की लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए कि किसी को ख़राब लगे. सेकेंडली,
जो भी ब्लॉगर है अपना जो भी लाइफस्टाइल दिखा रही है वो नो डाउट, मेरा एक सजेशंस है, मेरा एक सजेशन है, मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, शायद छोटे मुंह बड़ी बात लगेगी आपको, बड़े ब्लॉगर्स के बारे में बोल रही हूँ मैं, जिन ब्लॉगर्स को लेके आजकल ये सब यूट्यूब पे चल रहा है उनको लेके बोल रही हूँ, अगर बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे मेरी राय देनी है, इसको मैं रखूंगी। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आज आप कुछ अचीव करके बैठे हो तो अपने सिर पे कामयाबी को मत चढ़ने दो, घमंड मत चढ़ने दो, अगर आप सक्सेसफुल हो तो अपनी सक्सेस के साथ साथ अपने व्यूअर्स को साथ लेके चलो प्यार से, और केयर करो यार, इस तरह से आप स्टेटमेंट्स मत दीजिए छोटे यूट्यूबर्स एंड हमारा नाम लेके आगे बढ़ गए या हमारा नाम लेके व्यूज़ ले लिए, यार अगर कोई आपका नाम लेके व्यूज़ लेगा तो एक ही ब्लॉग पे अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और यार ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पे वो भी काम कर रहे हैं और छोटे यूट्यूबर्स भी काम कर रहे हैं, और सीरियसली हर एक इंसान जो है वो छोटे में से होके बड़ा बना है, कोई भी इंसान डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली यूट्यूब। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में एकदम हाइट पर पहुँच जाता है, ऐसा नहीं होता है, पहले वो मेहनत करता है, लगन से काम करता है, देन वो एक पोजिशन पर पहुँचता है। सो किसी को भी आज आप एक पोजीशन पे हो तो ये आपको सूट नहीं करता कि आप किसी को छोटा बोल के बुलाओ, छोटा यूट्यूबर बोलो या सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, व्यूअर्स से, कि यार जाके अब्यूजिव कमेंट्स मत करो, वो जो अपनी लाइफ दिखा रही हैं अगर आपको नहीं पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें या आपको दिखाने के लिए शो ऑफ कुछ और करें और वो कुछ और लाइफ जीते हैं, अगर उनका जो भी लाइफस्टाइल है एक्स वाई जेड जो भी लाइफस्टाइल है वो शो कर रहे हैं यार, वो शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ध्यान में रखते हो आपको क्या पसंद है उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वो शो कर रहे हैं व्हाट दे आर एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा नापसंद है तो मत देखिए उनके ब्लॉग्स, जाके आप इतने अब्यूजिव कॉमेंट्स तो मत कीजिए कि वो इरीटेट हो जाए। सो आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एंड जितने भी ब्लॉगर्स हैं आप लोगों को भी मैं फिर से एट लास्ट बोल देती हूँ यार, वी आर को वर्कर्स, चाहे छोटा यूट्यूबर है या बड़ा यूट्यूबर है, प्लेटफॉर्म एक है जिस पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ही बड़ा यूट्यूबर काम कर रहा है, यहाँ पे ही छोटा यूट्यूबर काम कर रहा है। सो किसी को छोटा बोल के आप मान मत कीजिए, क्योंकि आप या मैं या नोबडी नोज कि आज जो छोटा यूट्यूबर है या छोटा ब्लॉगर है वो कल जाके बड़ा ब्लॉगर बन जाए, वी नेवर नो दैट। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा मेहनत या आपके जैसी मेहनत करके जो आपने अचीव किया उससे भी कम टाइम में वो कुछ और ज़्यादा अचीव कर ले। सो इस चीज़ का बोलते हुए ध्यान रखिए, आप सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत की वजह से आप लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन मज़ा तब है जब आप इस सक्सेस के साथ अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को खुश रख के प्यार से आगे बढ़ें, ना कि आपकी कामयाबी का घमंड दिखा के। किसी की वजह से किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, कभी हुआ है क्या? अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर नहीं हैं, अगर आप एक अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं, अगर आप ऑडियंस को आपका जो वीडियो है उसमें इतना पोटेंसी या इस पोटेंशियल नहीं है कि वो ऑडियंस को बांध सके आपको देखने के लिए बार बार, तो आपका जो है चैनल आगे जाके कैसे चलेगा? आपके एक सिंगल वीडियो में नहीं चलेगा किसी का भी चैनल, इंसान में वो लायकत और वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे और भी वीडियोस दे सके, सारे वीडियोस इस तरह के दे सके कि पब्लिक जो है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे वॉच करे। तो यार ये बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आपका नाम लेके कोई आगे बढ़ गया, हम बड़े व्लॉगर हैं तो हमारा नाम लेके कोई आगे बढ़ गया और हमारे ऊपर व्लॉग बनाया तो वो सक्सेसफुल हो गया। नो, दिस इज़ जस्ट नॉट फेयर। अगर ऐसा होगा तो यार कोई एक व्लॉग उसका सक्सेसफुल हो जाएगा किसी भी छोटे यूट्यूबर का, देन आगे क्या करेगा वो, आगे क्या करेगा? तो ये बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और बिल्कुल भी सूट नहीं करता है आप लोगों की पर्सनालिटीज़ को, बिकॉज आप लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन हो और आपको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं, हमें लगता है ये करें ये करें, यू नो, मैं बहुत सारे, मैं पहले भी मेरे दो तीन व्लॉग्स में बात बोल चुकी हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। सो अगर आज आप सक्सेसफुल हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएंगे या आप किसी को ये दिखाएंगे इनडायरेक्टली दैट सी माय पोजीशन एंड यू गाइस आर स्मॉल यूट्यूबर। नो, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। ओके, सो यार प्लीज समझो आप लोग और बंद करो ये जो भी यूट्यूब पे जो मैं आजकल देख रही हूँ चल रहा है, बंद करो, फॉर गॉड्स सेक बंद करो। साथ में काम करना है तो क्यों ना प्यार से करें, अच्छी तरह से करें और साथ साथ मिलके आगे बढ़े सब लोग, राइट? सो बस यही शेयर करना था मुझे, शायद लंबा हो गया।
लंबा हो गया आई थिंक. वेल नो प्रॉब्लम. यस, तो मैं चलो 2 मिनट के लिए अपनी भी बात कर लेती हूँ. मैं अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, और जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, परेशानी भी आपसे शेयर की थी कि मैं क्यों परेशान थी. सो अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे. आई एम फीलिंग गुड नाउ, इसीलिए आप लोगों के साथ बातचीत शुरू की है. वेल, आज का ये जो टॉपिक था, इस पे अगर आपको मुझसे कोई भी कंप्लेंट है, या आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत बोला, या आपको अगर मेरी किसी भी चीज़ से आप अग्री करते हैं कि यस ये नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड व्यूअर्स, प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल ब्लॉगर्स. यार आप क्रिटिक्स ठीक हैं यार, मतलब ठीक है, आप कमियां बताइए, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, बट एटलीस्ट डोंट डू अब्यूजिव कॉमेंट्स जो सामने वाले को हर्ट कर जाए. उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है. ओके, सो इसी बात के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और मिलते हैं नए व्लॉग में, क्योंकि ये था सिर्फ चिट चैट वाला व्लॉग. वेल, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, अगर मुझे पसंद किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा वीडियो को, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहा था तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर माई न्यू अपलोड्स. सो टिल देन, लव यू, एंड आई होप कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने सिर्फ मेरी राय रखी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं, तो क्यों ना अच्छी तरह से करें, राइट? एक दूसरे का साथ देते हुए, समझते हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए. व्हेन वी आर इन टू द सेम फील्ड, इट्स मस्ट टू रिस्पेक्ट अदर्स यार, इन द सेम ट्रैक. हम लोग एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं सब, तो एक दूसरे से लड़के काम करने में मज़ा नहीं है, साथ में मिलके प्यार से सपोर्ट करते हुए काम करना है हम सब लोगों को, इजंट इट? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने सही बोला या गलत बोला. ठीक है, चलो मिलते हैं नए व्लॉग में. टिल देन लव यू, बाय. एंड नेल पेंट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, एंड वाई बेका पिंक कलर है. लव यू गाइज.